हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। मैंने 2-3 दिन पहले जो कपड़े कटिंग किए थे ना, एक इस वाले फैब्रिक का इनर फैब्रिक नहीं था, तो मैं सोच रही हूँ अभी चली जाती हूँ और इसका इनर फैब्रिक ले आती हूँ। गुड़ी, तुम्हें कुछ सामान तो नहीं मंगाना? तो दे दो, लाओ फिर हम उनकी गिट्टियां भी ले आएंगे और इस वाले की भी गिट्टी चेक कर लेना। अरे यार गुड़ी, तुम तो बहुत सारी गिट्टियां दे दोगे, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अरे यार नहीं दीदी, 2-3 कपड़े ही हैं, ज्यादा गिट्टियां नहीं देना है बस। और स्वामी, आप क्या कर रही थी वहाँ पर? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रही थी। वो पानी पीने के लिए दीदी ग्लास धो रही थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसको पानी पीने के लिए ग्लास नहीं बचे ना, इसीलिए। यहाँ पर मटका तो रखा है, लेकिन 1-2 ही गिलास रखे हैं, बाकी के जो है ना वो सब सामान नीचे ही रखा हुआ है। तो यहाँ 1-2 गिलास रखे हैं। यहाँ पे हमने टेम्परेरी सामान रखा है, तो फिर कोई पी लेता है आके, तो फिर वो झूठा हो जाता है, तो इसीलिए वो के पानी पीने के लिए ग्लास धो रही थी अपने लिए। भैया आप आ गए उसको परेशान करने के लिए? हाँ देख ना, जीत झूम जाती है मेरे से। वो झूम रही थी? नहीं दीदी, ये आई थी पहले। चलो अपन खेलेंगे। मुझे नहीं खेलना। चलो ना अपन खेलेंगे। संध्या सबके लिए चाय ले आई है। ले, समझ गई, चाय चाय पी लो। संध्या तुम सुनो तो, हम सामान लेने जा रहे हैं, तुम्हें कुछ लाना तो नहीं है? हम भी चलेंगे ना साथ में। तुम भी चल रही हो? और क्या, तुम्हें कुछ लाना है क्या? हाँ बेचारी घूम लेगी, घर में ही तो है दीदी, कम से कम घूम फिर लेगी थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तुम रेडी हो जाओ तो फिर, है ना। अब धीरे से हमारी प्रीति भी आ गई है, इनकी भी गिट्टी ले आए। अब हम जाके ना हमारी चाय पी गई है, प्लीज जल्दी दो। हमारा जो कपड़ा है ना, जिसकी हम वीडियो बनाने वाले दीदी, उसकी तो है है, ठीक है ना। हाँ। उसकी जरूरत नहीं, हमने पहले से लाके रखी थी और हमारे वाले बॉक्स में मिल गई है। हाँ। जो तुम्हारा बॉक्स है? मैंने बताया सारी उसकी गिट्टियां लाके रखी थी, तो इसमें इसमें ऐसे मिक्स हो गई हैं। हाँ पता है प्रीति, कभी कुछ उठा के स्ट्रिच कर लेते हैं, कभी कुछ उठा के स्ट्रिच कर लेते हैं, तो वो ऐसे खत्म हो जाती है। दीदी आप सभी यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं ना, उनके लिए हम एक सरप्राइज की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या प्लानिंग कर रही हो? है एक सरप्राइज, तो जब भी बताओगी क्या? प्लानिंग कर तो ले दो, और सब लोग ये वाला सरप्राइज सुन के एकदम खुश हो जाएंगे। इसकी मिल गई, इसकी मिल गई, इसकी मिल गई, किसी की ला लेंगे। हम यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं एक दो तुम भी दोगी। तो ले लो लो, 1-2। अरे मतलब चिंदियां दोगी यार, कपड़े की कतरन नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फालतू का थोड़ी चाहिए, हमने सोचा लाना है। मांग रही तो मैं दे रही हूँ ना उठा के। फ्रेंड्स पहले मैं अकेली जा रही थी इनर फैब्रिक लेने के लिए, फिर मेरे साथ ये लटक गई, एक पीछे घट गई है ये, इसको भी कुछ सामान लाना था। अब इसके साथ साथ धीरे से प्रीति बोलने लगी, अरे मैं भी तो लटकी हूँ यार। और फिर ये गुड़िया भी लटक गई मेरे साथ। पहले मैं लटकी थी, फिर दीदी लटकी। हाँ मतलब एक सामान लेने जाना था, फिर धीरे से इसको भी सामान चाहिए, उसको भी सामान चाहिए, और इसको भी सामान चाहिए। सामान चाहिए वो तुमसे ही मंगाऊंगी, मैं कुछ नहीं लेके आने वाली हूँ। मतलब ये नहीं जाएगी ना। हाँ, तो तुम्हारा सामान हम ला देंगे। तुमने क्लास ली तो तुम्हारा गला खराब हो गया, अब मैंने क्लास लेना स्टार्ट कर दी तो मेरा गला भी खराब हो गया। हाँ, पता है प्रीति, कंटिन्यू बोलते रहो। हाँ, उससे ही गला खराब है मेरा। जब 2-2.5 घंटे पूरे कंटिन्यू बोलते रहो तो गले की तो कोई बाटी लग जाती है। हाँ। लग जाती है। इन दोनों का जो गला है ना वो कमजोर है, और मैंने जो क्लास ली थी ना उसमें तो इतने धीरे धीरे बोलती हूँ भैया। स्टिचिंग क्लास में तो बहुत स्पेसिंग वाली क्लास में ज्यादा कंटिन्यू बोलते रहो, समझाते रहो चीजों को। अब कोई खड़े थोड़े हो जाएंगे भाई, बोलेंगे ही ना। हाँ, और स्टिचिंग में तो ऐसा रहता है कि यहाँ से आता कि हमने स्टिच लगाई, बता दी कि यहाँ से आता है स्टिच लगाई। हाँ। उसके बाद जो लगाएंगे ना, तो तब तक थोड़े गले को रिलैक्स मिल जाता। हाँ। है। और तुम धीरे धीरे बोलती हो, और हम लोगों की आदत है तेज तेज बोलने की और समझाने की। हाँ। तो समझाने में एनर्जी ज्यादा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गुड़िया को ये मत बोलो कि वो नहीं समझाती, वो भी समझाती, बस ये कि वो उसको धीरे धीरे बोलने की आदत है, अपन लोगों को दोनों को तेज तेज बोलने की आदत है। और पता है फ्रेंड्स आपका, वो मैं बताऊँ इनको तेज तेज बोलने की आदत क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ती है, इसीलिए इन दोनों की आदत हो चुकी है तेज तेज बोलने की। नहीं नहीं, पता है हम लोग बुटीक में रहते थे ना, वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती थी, तो हम लोगों को तेज ही बोलना पड़ता था। नहीं तो ना सुनाई देता था, नहीं तो कुछ गाड़ी की आवाज ही सुनाई देगी। हम लोगों की आवाज तो सुनाई नहीं देती थी, और कस्टमर भी नहीं सुन पाते थे, वो भी ये बोलते थे तुम लोग बीमार हो गए क्या कभी कभार, हम धीरे बोलते थे, तो भाई हम लोगों को आदत ही पड़ गई। तो वो जो गाड़ियाँ चलती थी ना, तो ये दोनों आपस में लड़ाई करती थी ना, एक दूसरे की आवाज इनको सुनाई नहीं दे पाती थी, तो ये लोग और ज्यादा तेज बोलती थी, फिर और ज्यादा तेज बोलती थी। ये देखो ऐसे ऐसे लड़ती है, तो ऐसे लड़ना पड़ता है। हाँ तो बताए क्या बोल रही थी, क्या बोल रही है? आप लोगों को तेज बोलने की आदत कुछ ऐसे पड़ गई है कि लड़ाई कर कर हम लोग भी कुछ ऐसे पड़ गई है कि बुटीक पे रहते थे ना, कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शूट करते थे, तो दीदी को इतना तेज बोलना पड़ता था, इतना तेज बोलना पहले मैं धीरे ही बोलती थी प्रीति। हाँ, फिर मैं दीदी से बोलती तेज बोलो दीदी, तेज कुछ सुनाई नहीं दे रहा वीडियो में, क्योंकि वॉइस बहुत ज्यादा नॉइज आता ना बाहर का, क्योंकि जब हमारे पास ना तो इतना अच्छा माइक वगैरह, तो कैसे बोलेंगे, डायरेक्टली वॉइस ज्यादा था हमारा, जो हमारे पास फोन था उसी से हम शूट करते थे, तेजी बोलना पड़ता था, दीदी को भी बोलना पड़ता था, फिर मुझे भी तेजी बोलना पड़ता था, फिर धीरे 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 हम लोगों को आदत ही हो गई तेजी बोलने की। जैसे वीडियो स्टार्ट होती है तो हम तेजी बोलने लगते हैं। चलो जाओ दीदी, जैसे लगता है हाँ कैमरा चालू है, फिर तो फटाफट तेजी बोलना है, और वो भी
चलिए आओ जल्दी से, देर हो जाएगी तुम लोग। बुढ़िया तो देखो यहाँ से भाग ही चली जा रही है, हम लोगों को भी ले चल। तो कह रही थी गोद में उठा के ले चलूं। फ्रेंड्स हम घर पहुंच गए हैं और हमें थोड़ा सा किराने का सामान लेना था और एक दो सामान और भी लेना था, तो सारा सामान लेकर हम लोग घर आ गए हैं। फ्रेंड्स सारा सामान लेकर आ गए, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया और उसके बाद हमने एक गुड़िया की एक ड्रेस भी कटिंग कर ली। और जैसे ही हमारी ड्रेस कटिंग हुई और हमारी जोमी आ गई, दीदी 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 ब्लॉग नहीं बना रही। मैंने कहा बना रहे ना, आ जाओ अपन ब्लॉग बनाते हैं। दीदी हम इतनी देर से तैयार हो के बैठे, हमारे सारा मेकअप कर, आप तो दिन भर तैयारी रहती हो और मैं कम से कम 50 बार तैयार होती हो। फ्रेंड्स पता है पहले ये बोलती है की तुम कैसे भूतनी जैसी दिख रही हो और फिर तैयार हो जाती हूँ, फिर बोलती है पूरे दिन तुम तैयारी होती है। हाँ तो हम ये बोलते हैं कि दिन में एक बार तैयार हो जाएगा और बहुत से बहुत 2 बार हो जाएगा और एक बार सुबह एक बार शाम को, लेकिन आप तो हर घंटे में तैयार होती हो, बाल छोड़ो हमारे। क्योंकि मैं 3 बार होती हूँ तैयार। कल से गिन के देखना ठीक है। और सुनो हमारी बात, जब जब तैयार हो ना तब तक ब्लॉग बनाने बैठना। फ्रेंड्स मैं अभी तैयार हो रही हूँ तो सब लोग भी काउंट करेंगे और तुम भी काउंट करना ठीक है। ठीक है। और जो जो सामान मैं लगाया करूँ वही फ्रेंड्स लगाया करेंगे। सबको आता है मेकअप करना ठीक है। अरे मेकअप करना आता है पर देखो एक बार लोगों ने बोला था सौम्या मुझे मेकअप करना सिखाना, मुझे नहीं आता। वो किसने बोला? मैं इतनी गोरी हूँ इसलिए आप कैसे कर लेती इतना। ओ झूठी गई, कितनी झूठी लड़की है, कितनी बातें लगाती यार ये। कमेंट में अच्छा किसने कमेंट किया था कि ये बहुत सुंदर है? अरे दीदी ने बोला था, मेरे से फोन आया था तब। अच्छा कुछ भी बोलती रही। अरे सही बोल रही हो, सही बोल रही है, सचमुच फोन आया था। अच्छा तो क्या बोल रही थी कि तो वो उन्होंने ये बोला था कि सौम्या से बोलना हमारा प्यार है, ये जबरदस्ती लग गया थी कुछ नहीं तो। हाँ ये बोला तो सौम्या को ढेर सारा प्यार है। हाँ नहीं बोला दीदी, ये अपनी वर्दी से इतनी सारी बातें लगा रही थी कि आपने करी थी। चलो सौम्या अब बहुत रात हो गई है, बातें खत्म करो और चल के सो और फिर अपन नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे। कल सौमी ना मेकअप जब जब करेगी ना दिन में दीदी, तब तब सबको बताएगी। और मैं गोरी कैसे होती हूँ वो भी आपको बता। गोरी तो मैं काली नहीं हूँ, देखो मेरी शकल और इनकी शकल। लोग मेरी कितनी गोरी दिख रही है ना, सौम्या काली दिख रही है। आप तो है काली, तो कमेंट करके कौन काला है, कौन काला है, चारों में से। हाँ तेरे चार करके बता रही है, हम चारों में से, हम चारों में से, हम चारों में से सिर्फ एक ही जन काला है ना। हाँ अरे मैं नहीं हूँ फ्रेंड्स, आप ही बताए ना कौन सबसे ज्यादा गोरा है। सबसे ज्यादा गोरा है एक, सबसे ज्यादा गोरा है 1 2 3। हाँ तो एक ही इंसान सबसे ज्यादा काला है। अरे नहीं दीदी मेरी बात तो सुनो, क्यों देखो जो दूसरे से बोलता है ना वो काला है पर वो ही काला रहता हाँ। है हाँ, मतलब आप हमसे काली बोल रहे हो, मतलब आप काली हो और हम लोग गोरे गोरे नहीं, मतलब ये आप लोग काली हो मैं गोरी हूं। ये तो हीरोइन है। हाँ ठीक है अभी मैं आप बता दूंगी, मेकअप करके सारा मुंह धो लूंगी और देखना। मेकअप करने से कोई गोरा नहीं होता। रुको रुको मैं मुंह धो के आती हूँ। वो तो मुंह धोती रही और तैयार होती रही, उसका दिन भर यही काम है। मैंने मुंह धो लिया तभी मैं गोरी दिख रही हूँ। मुंह धो के आ गई पागल लड़की। तो आपने तो बोला था आप काली होगी इसलिए मैंने मुंह धो लिया। उसके कहने का मतलब ये था कि वो कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं लगाए, वो मुंह धो के दिखाती है आपको तभी वो गोरी है। पूछने के लिए चली गई टॉवेल से बस, लेकिन अब तो आप काली दिखने लगी। उसने प्रूफ कर दिया कि वो गोरी है, उसने कोई मेकअप नहीं किया। कैसे मेकअप करने गई हो क्या? क्या करने आ गई यहाँ पे, क्या करने आ गई? अभी तो आप मुंह धो कर गई थी ना। अरे मुंह धो के नहीं गई थी मैं, मुंह धो के भी आप गोरी थी ना। अरे हाँ तो फिर क्यों मेकअप कर रही हो? अरे मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। हाँ मेकअप लगा लगा के गोरी दिखती हो। अब क्या लगाऊं? तो आप किस किसने देख लिया है मेरा मेकअप? जिसने देख लिया है कमेंट करके ज़रूर बताइए अच्छा लगा क्या नहीं लगा। और इसमें कुछ नहीं है बिल्कुल, मैंने सिर्फ काजल टीका लगाया है, इसमें कुछ नहीं लगाया मैंने। फ्रेंड्स अभी हो चुका है नेक्स्ट डे। अब बोलोगी कुछ दीदी? हाँ बताएगा। हम और बुआ मार्केट गए थे चौराहे पे, वहाँ से हम बहुत से सामान लाए। अच्छा हाँ तो दिखाओ सबको क्या लेकर आई हो। पता है फ्रेंड्स मम्मी अभी छत पर है तो उन्होंने बोला है आटा उसन के रख लो, बड़ी बना लो। ऊपर का काम सारा कंप्लीट हो गया है तो उन्होंने हमें अलग से काम बता दिया है। तो यहाँ पर बड़ी उबल रही है और यहाँ पर संध्या आटा गूंथ रही है और सौम्या यहाँ पर आप सभी को सामान दिखा रही है। प्रीति यहाँ बैठ के केले खा रही है। क्या लेकर आई हो सौम्या आप? देखो इतना बड़ा लोवर थोड़ी बनेगा आपको। हमको नहीं तो भैया का है। भैया का है
देखो दीदी ये भैया का लोअर है, इसको सीधा तो करो यार, हमें तो उल्टा ही दिख रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये किसकी है रेड कलर की टी शर्ट? ये छोटी मोटी सी टी शर्ट तुम्हारी ही होगी। ये भी आपका है? मुझे तो इसकी स्लीव्स अलग कलर की लग रही हैं। नहीं तो मुझे तो दिख रही हैं। हाँ यार प्रीति थोड़ी सी अलग सी लग रही हैं यार। है ना, ऐसा लग रहा है ना कि टी-शर्ट से अलग कलर की दोनों स्लीव। पर इतना बहुत गौर से देख रहे हैं तभी समझ में आ रहा है। यहाँ से थोड़ा दूर से दिख रहा है, मम्मी ने ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? हाँ, मैंने ही देखा था। ठीक है, अब और क्या, उसे इतना लाइटिंग में दिख रहा है उतना नहीं पता चलेगा, नहीं तो बोल देंगे चेंज करके आ जाएंगे। अच्छा, ये सौम्या के लोग आ रहे हैं ना, ये आपके लिए लिए दो ना। इसका प्रिंट कितना अच्छा लग रहा है, ये व्हाइट वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये दीदी ने पसंद करा था, ये हमने करा था। अच्छा, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। वो बुआ की पसंद का है, वो दीदी की पसंद का नहीं है। कौन सा, ये वाला? ये सौम्या की पसंद का, व्हाइट वाला बुआ की पसंद का। और ये रेड टी शर्ट मैंने ले ली, मैंने दोनों पे सही जा रही है, इस पे रेड रेड आ रहे हैं, उस पे भी रेड रेड आ रहे हैं, तो मैंने कही चलो इसके साथ दोनों के साथ सही लगेगी। और क्या लिया है, और इसके अंदर क्या है, इसको निकालो बाहर। दीदी की टी शर्ट है, ये दीदी की टी शर्ट है। ये भी दिखाओ दीदी। हाँ ये तो अच्छी लग रही है, कलर अच्छा लग रहा है। प्रीति टेडी बनाए, हाँ आपकी टी शर्ट के ऊपर टेडी बनाए दीदी। हाँ, मैं सोच रही थी जोमी के लिए भी इस टाइप की मिल जाए, पर मिली ही नहीं। अरे मिल तो गई थी उस बार, पहले मिलाई थी ना तुमने। ठीक है, तो ये वाली को भी चेंज करके मैं उस टाइप की ले लें। नहीं तो ठीक है ना प्रीति, क्या जरूरी टेडी वाली पहने हमेशा। हाँ ठीक है, चलो ये वाली भी। हाँ ये वाला लोग, ये किसका है? ये भी भैया का है। ये भी भैया है, वो वाला भी सेम ही है। एक वो है, तो कितने सारे लोवर ले आई, एक वो रखा है, एक ये रखा है, एक ये रखा है, तीन ले आई। अरे हाँ ठीक है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखो अब वो लोग घर में रहते हैं और उनको चाहिए कंफर्टेबल कपड़े, तो क्या पहनेंगे, लोअर टी शर्ट ही पहनेंगे ना, तो ये अच्छी क्वालिटी वाले लोअर ही लेके आ गए, क्योंकि दोनों पैंट तो पहनते ही नहीं है, वो रखे हैं भरे हुए अलमारी में कितने सारे, हर बार दिला के लेके आती हूँ मैं और रखे ही रहते हैं वो सामान। सब आपने दिखाया है ना सौम्या, तो अब आपको ही उठा के रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं गुड़िया की एक ड्रेस, तो उसी को बनाने में लगे हुए हैं, तो आज हमने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया है और हमारा पूरा दिन निकल गया है, ऐसे करते करते शाम ही हो गई है। अब जो गुड़िया बना रही है उसका थोड़ा सा ही और बचा है, पूरा कम्प्लीट ही होने वाला है। तो मैं एक साड़ी बना रही हूँ, तो मेरी एक सुंदर सी साड़ी बनके रेडी हो गई है, पेटीकोट भी बन गया है, ब्लाउज भी बन गया है, और अब बस स्लीव्स बनाना रह गई है। क्या ये क्या होता है दीदी, एक मिनट मुझे दे दो ना फोन। हाँ, क्यों दे दे आपको, प्लीज दीदी दे दो। हाँ तो अभी हमारी ड्रेस बनने वाली है, तो लो तुम ले जाओ। आप ये बात बोलना, मैं बूटी जैसी लग रही, इतनी देर से मैं वो सामान तैयार कर रही हूँ ना दीदी, मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। अच्छा हाँ। जाओ एक काम करो, सबको बस दिखाओ क्या डेकोरेशन किया। फ्रेंड्स देखिए, ऐसा फैलारा पड़ रहा है, मैं सोच रही हूँ इस फैलारे को तो मैं ऐसा ही बड़ा रहने देते, अच्छा ही नहीं, ये तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। अब इसका क्या करूँ, ये फैलारा मेरा कुछ काम का नहीं है। दोस्तों आप ये मत सोचना मैं भूतनी जैसी लग रही हूँ, और मैं सच्ची में लग रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत देर से कर रही हूँ ये काम, पता है 5 बजे से कर रही हूँ, 12 बज गए मैं अभी तक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पता है फ्रेंड्स अभी तो मैंने पर्दा मर्दा सारी साफ सफाई करी है, सारी साफ सफाई तो नहीं करी, अकेले मैंने बिस्तर और ये पर्दा लगाया, हाँ और फिर यहाँ पर बिस्तर करा, फिर वो टेबल सजाई, टेबल भी ऐसी ही सजी, अच्छी नहीं सजी जो मैंने अभी बताई थी। और आज का आपको मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बता, और ये हमने पूरा करा है ना ये भी बताना कमेंट करके कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट डे आप सभी कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, वर्ड तरह स्मैल कर रहे होंगे। दीदी तो काम कर रही हैं, अब मैं क्या कर लूँ। देखो मैंने मेकअप तो कर ही लिया है, और ये है मेरी डिजाइनर छोटी, और मेरा लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मैं आपको मेरा फाइनल लुक भी बता ही देती हूँ। तो देखिए मेरा फाइनल लुक चल रहा है, ये क्या चल रहा है, हाँ? क्या कर रही हो ये? हम हमारा फाइनल लुक बता रहे हैं, फाइनल लुक दिखा रही हो। हाँ दीदी, फाइनल डिजाइनर चोटी करी है, अच्छी लग रही है। पता है फ्रेंड्स, इसको तो ना अलग अलग चोटियाँ कहीं अलग अलग डिजाइनर ड्रेसेस पहनने का बहुत ही शौक आता है। और पता है मुझसे बहुत देर से बोल रही दीदी ब्लॉग स्टार्ट कब करोगे, मैंने कहा मैं काम कर रही हूँ अभी, मैं ब्लॉग अपलोड कर दूँ पहले मेरा। फ्रेंड्स पता है इनने करा ही नहीं, तो इसलिए मैं नहीं कर लिया, मैं क्या करूँ, मेरी गलती तो ही ना है। आपने अच्छा किया, मैं क्लास चल रही थी इसलिए हम नहीं कर पाए, फिर क्लास खत्म हो चुकी है, इसलिए हमने आपके कार ब्लॉग बना लिया है। तुम भैया पढ़ लिया करो, नहीं तो तुम्हारे पापा और बोलेंगे, तुम्हारी मम्मी बोलेंगी कि हमारी लड़की तो बस ब्लॉग ही ब्लॉग बनाती रहती है, ना पढ़ाई करती ना कुछ करती, और बस हंसती दस्ती रहती बैठ के। इसलिए जब हम लोग काम करते हैं तब तुम पढ़ाई करा करो, ठीक है? ठीक है। अभी हमारी कुर्ती क्लास चल रही है तो वही हो रही थी, और मैं ऊपर हॉल में बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी मेरी, और प्रीति कुर्ती की क्लास ले रही थी,
का भी क्लास एंड हो गई है और मैं भी आ रही हूँ वीडियो अपलोड करके। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने नहाकर जल्दी जल्दी में नबा लूँ। छे देखो कैसे भूतनी वानी घूम रही हूँ और थोड़ा तैयार वैयार हो जाती हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं लगाया है। हम नहीं करवा रहे, हम तो खुद ही कर लेंगे भैया। तुम तो आपको जरूर बताऊंगी मैं इनकी छोटी करूंगी, मैं करके ही रहूंगी। आज फ्रेंड्स पता है ये तो मेरे से कभी करवाती ही नहीं है छोटी, इसलिए आज तो मैं करके ही रहूंगी। रुक जाओ मुँह तो धो के आओ पहले। मैंने सुबह नहा लिया, ये मुँह धोने की बात कर रही है। हाँ मुँह धो के आओ ना। हम देख मुँह धो के रेडी हो चुके। दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? जैसे आपको क्या दिख रहा है जमी? स्टिच कर रही हूँ कपड़े। हाँ तो बस हम कपड़े स्टिच कर रहे हैं। अच्छा हाँ। अरे सोमी आज तो आप बड़ी प्यारी लग रही हो। हाँ क्योंकि हम रेडी हो गए। हाँ आप तो रेडी होती रहती हो। दीदी मैं इसलिए रेडी होती हूँ क्योंकि फिर सब बोल देंगे देखना रेडी नहीं हुई हो, इसलिए हम रेडी हो जाए। अच्छा किया। फ्रेंड्स अभी कस्टमर आई थी कपड़े लेने के लिए, मतलब कपड़े उठाने के लिए, तो फिर वो सूट भी देखने लगी तो यहाँ पर बहुत सारे सूट फैल गए हैं। तो उन्होंने सूट तो ले लिया, मतलब तो यहाँ पर जो सूट रखे थे उसमें से मैंने उनको दिखा दिए, जो उनको पसंद आया वो उन्होंने ले लिया। अब यहाँ पर जो सूट रखे हैं फैले हुए तो मैं उनको उठा कर रख रही, तो सौम्या मुझसे क्या बोलती है, दीदी एक काम करो आप अपना काम कर लो, ये सारे सूट मैं उठा के रख दूंगी। मम्मी क्या बोलती हैं, अरे उससे नहीं होंगे, वो इतनी छोटी है, वो सूट को कैसे जमा जमा कर रखें, सबके दुपट्टे सब सेट मिला मिला कर रखना पड़ता है ना। लेकिन ये वे सिद्धि है कि मानती नहीं है। तो मैं एक काम करो, हम आपको सेट जमा कर दे देते हैं, आप पॉलिथीन के अंदर पैक कर दीजिए ना, है ना, फिर सही रहेगा। गुड़िया ये वाला फैब्रिक मेरे पास बहुत दिनों से रखा है, ये 8 मीटर फैब्रिक है, तो मैं इसका क्या बना लूँ यार। 8 मीटर फैब्रिक और वो भी प्लेन फैब्रिक। हाँ तो उसकी मैं सोच रही कुछ डिजाइनर टाइप का कुछ बना लेती, अच्छा लगता है यार। कलर तो वैसे अच्छा है उसका। हाँ अपन दोनों ही लेकर आए थे गुड़िया बहुत दिन पहले, बहुत दिनों से रखा है तो मैं इसको पहले भूल गई थी। 8 मीटर लेके आए? हाँ यार मुझे तो ऐसा ध्यान था कि मैंने शायद 5 या 6 मीटर मांगा था, उन्होंने पता नहीं 8 दे दिया होगा। वो क्यों देंगे दीदी? हाँ लेकिन वो लोग करते हैं थोड़ा ऐसा ही, मतलब अपन मांगो कितने और कितने काट के दे देते हैं, क्योंकि हाँ। अपन वहाँ पे देखते तो है नहीं कि कितना कट किया है उन्होंने। हाँ और होलसेल दुकानों पे तो यही रहता है ना, ज्यादा ही लेना पड़ता है। हाँ ज्यादा सामान लेना पड़ता है। तो देख लेंगे अभी अपन कोई डिजाइन, जो भी अच्छी लगेगी फिर अपन वो बना लेंगे। और पता है फ्रेंड जो मैं सूट लेकर आई थी ना वो मैंने सारे अलग रख लिए, मैंने कहा बताया एक एक करके निकाल निकाल के बनाती जाऊंगी, अगर सबके साथ रख दूंगी तो मेरे पता नहीं कहाँ दबे रह जाएंगे और फिर मुझे ध्यान ही नहीं आएगा बनाने का। हम और गुड़िया और प्रीति मिलके तीनों जने डिसाइड कर लेंगे किसका क्या क्या बनाना है, क्योंकि बहुत से फैब्रिक ऐसे भी हैं जो पहले से रखे हैं, जो बहुत बहुत सारे भी हैं, तो उनमें से ही ना कुछ ना कुछ अच्छा सा डिसाइड करके मैं कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कपड़े ही खत्म हो गए हैं अब तो। तो मैं ये सारे कपड़े लेकर आई थी, तो ये तो सिंपल ही सूट बनेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये 4 मीटर कपड़ा था, पर ये वाला कपड़ा भी बहुत सारा है, 6-7 मीटर है गुड़िया कपड़ा, तो इसकी भी कुछ देख के बताना अच्छे से डिजाइन है ना। दीदी सारे डिजाइन मैं क्यों देखूं, आप क्या करोगे, आप भी देखो। नहीं मैंने कुछ देखी है तो अपन उसमें डिसाइड कर लेंगे। हाँ, कि कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है। और इसके लिए भी देखना गुड़िया, क्योंकि ये भी अपन थोड़ा ज्यादा फैब्रिक लेकर आए थे ना, तो ये भी डिसाइड करना है। सारे कपड़े दीदी मेरे भी इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, उनकी भी डिजाइन देखना है, मैं किस किस के लिए देखूं। तुम अच्छी डिजाइन देख लेती हो इसलिए बोल रहे हैं तुमसे, ठीक है ज्यादा नखरे मत दिखाओ। हाँ अगर मेरी नजर में कुछ आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। हाँ पता है फ्रेंड्स अभी अच्छी अच्छी डिजाइन सोच ली थी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ये कुछ अच्छा बता देगी तो फिर मैं बना लूंगी, नहीं तो फिर मुझे क्या है, मैं तो सिंपल ही कपड़े बना लूंगी, फिर तुम ही लोग बोलोगी कि ऐसे प्लेन प्लेन कपड़े पहन के घूमती रहती हो, क्योंकि मैं ना कस्टमरों को तो अच्छे अच्छे कपड़े सजेस्ट कर देती हूँ, लेकिन मुझे खुद के लिए तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाऊ मैं। हाँ फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अभी ऊपर और अब मैं कपड़े कटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ये वाला ब्लाउज रखा हुआ है कटिंग करने के लिए और ये वाला सूट रखा हुआ है कटिंग करने के लिए, ये मैंने प्रेस करके रख दिए थे लेकिन अभी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा 2-3 दिन से, तो मैंने इनको कटिंग नहीं की है, तो अभी मैं इनको कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मेरा ये वाला सूट कटिंग हो गया है और यहाँ पर मैं ये वाला ब्लाउज कटिंग कर रही थी। और फ्रेंड्स हमने जो हमारी ब्लाउज क्लास में ब्लाउज स्टिच किए थे, तो हमारी जो मॉडल्स ने ब्लाउज वेयर किए थे, तो हम सोच रहे हैं कि उनको ये वाले ब्लाउज सारे गिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये हमारे तो किसी काम के नहीं है ना प्रीति। हाँ क्योंकि तो ये तो उनको तो फिर भी वेयर कर सकते हो क्योंकि उन्हीं के साइज के हैं, पर हम क्या करेंगे, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जितने भी ब्लाउज हैं सारे पहले आपको दिखा देते हैं, फिर जितने भी ब्लाउज रहेंगे जिस जिसके मेजरमेंट के हिसाब से बनाया था उनको हम गिफ्ट कर देंगे। फर्स्ट है हमारा सिंगल डॉट ब्लाउज, सेकेंड 4 टक्स ब्लाउज विद वेल्ट ब्लाउज, साथ में पफ स्लीव्स हैं और पीछे बैक साइड डिजाइनर नेक भी है। प्रीति डिजाइनर नेक दिखाओ तो फिर, ये लो। अच्छा इस टाइप का डिजाइनर नेक है, ये वाली हमने इसमें डिजाइन बनाई थी, यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी है। हाँ और इस वाले में भी स्लीव्स जो है वो पफ वाली है, यहाँ पे इसमें काउल स्लीव्स थी देखो।
इस टाइप की काउल स्लीव थी। अब नेक्स्ट ब्लाउज जो था वो था कटोरी ब्लाउज, हाँ, जिसके लिए मुझे पहनाया गया था और मुझे कार्डन बनाया गया था। इस ब्लाउज के लिए हमारी ये वाली मॉडल आई थी, तो इसी को गिफ्ट कर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तुम खुद रख लेना। तो मैंने तो सबको पता है क्लास की वजह से वेयर करके दिखा दी, मैं तो कभी जिंदगी में ना पहनू। चलो तुम बातें मत बनाओ बढ़िया ही। लो हाँ लो ये वाला देखो तुम तो। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला जो है ना हमारा, ये है प्रिंसेस कट ब्लाउज, जिसके लिए हमारी पीछे वाली मॉडल जो खड़ी है उनका ब्लाउज है ये, तो उनको ही गिफ्ट करेंगे, आप ही पहनना ठीक है। और ये है हमारा बॉटनेक ब्लाउज, साथ में पैड भी है इसमें और फुल स्लीव्स भी है, फुल स्लीव्स भी है, साथ में साइड में जिप है, ये सारी चीजें इसमें है, दोनों साइड बॉटनेक है। और इस वाले में भी डिजाइन है बैक साइड, और साथ में हमारी ये वाली कॉमडी पफ स्लीव्स है। सबने इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा, मैं सुन रही थी। हाँ पता नहीं अब आप लोगों में से कौन कौन इंस्टाग्राम पे रील देखता है उसी ने देखा होगा। और ये है हमारा एक और ब्लाउज जो है स्ट्रेट डार्ट ब्लाउज, इसमें कॉलर नेक भी है और इसमें और स्लीव्स नहीं है, विदाउट स्लीव्स है ये। और इसमें अपन ने लाइक्रा फ्यूजिंग भी तो यूज करना, और इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग भी यूज करना बताया है। तो इन सभी ब्लाउजों में सबसे अच्छा ब्लाउज आपको कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं क्या सोच रही हूँ, देखो ये तो गुड़िया के नाप का है, तो ये गुड़िया पहन लेगी। जो अपनी एक और मॉडल थी अपन उनके नाप से था, तो उनको दे देंगे, है ना। ये तुम्हारा है तो ये तुम पकड़ो, तो ये भी तो मैं गुड़िया को देने वाली हूँ। तो अरे पकड़ो तो, अरे तो मैं ये गुड़िया को दूंगी ना। और ये वाला भी मेरे मेजरमेंट से था, तो ये तो मैं पहनने वाली नहीं हूँ। हाँ तो ये भी गुड़िया को दे दूंगी, जिसके मेजरमेंट से बनाया था ये उनको दे देंगे। और ये भी गुड़िया की मेजरमेंट से, तो ये तीन जो बचना है ना ये तो तुम अपने सब्सक्राइबर्स को गिफ्ट कर दो, ठीक है। पर यार यहाँ पर कैसे आएंगे लेने प्रीति? हाँ जिसके मेजरमेंट से ये बन जाए जिसको, उनको गिफ्ट कर दो तुम, ठीक है। अब मैं कैसे करूंगी यार प्रीति? हाँ अब वो मुझे नहीं पता, तुम जानो और तुम्हारे सब्सक्राइबर जाने अब क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यार तुम भी क्या बोल रही हो, तुम पूछ ही क्यों रही हो यार, तुमको पता तो है। ऐसा लग रहा है जल्दी से आप लोगों को भी दिखा दूं मैं, कैसी लग रही है वेयर करने के बाद? अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आई, है ना। सिंपल कैसी लगी आप लोग बताना कमेंट करके। बस हमें अभी